नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल ने स्वेच्छा से अपनी तनख्वाह में एक साल के लिए 30% की कटौती का प्रस्ताव किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों समेत देश के सभी सांसद 30% कम सैलरी लेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक साल तक सांसदों की सैलरी 30% कम करने पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। 1 अप्रैल 2020 से यह फैसला लागू होगा। एक साल तक सांसदों की सैलरी और पूर्व सांसदों की पेंशन में 30% की कटौती की जाएगी। ये पैसा भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा। सभी एमपीस, ऑल एमपीस और प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% एक साल न लेने का फैसला, एक सामाजिक उत्तरदायित्व जो है देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसकी भावना को बल देते हुए उसके लिए ये निर्णय आज किया। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी अनेक राज्यों के राज्यपाल और इन सब ने भी स्वेच्छा से अपने तनख्वाह में 30% कटौती करने का पत्र दिए है और ये पैसा जनरल पूल में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जाएगा।